हेलो मिनट आई जस्ट चेक इफ एवरीथिंग इज परफेक्ट फ्रॉम माई एंड ये पीपल, हेलो बीविल आई बी ऑल डूइंग रियली गुड एंड आई होप आपका जो पहला दिन है सी एस एक्जीक्यूटिव का दैट इज वर्किंग रियली रियली फाइन यस येस येस दिस गिमी थम्स इट ऑल यू आर एबल टू सी मी एंड हियर मी प्रॉपरली If the audio and video is perfect, just give me a thumbs up. Okay? If you're able to hear me properly and if you're able to see me properly, just give me a thumbs up so I'll understand. Yep. If the audio and video is perfect. Yes, people. Very, very good morning, everyone. Very, very good morning, everyone. चली परफेक्ट 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 वॉट इंटरक्टिव ऑडियंस परफेक्ट पीपल थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच यस पीपल विल जस्ट वेट फॉर टू मिनट्स आई गेस आज राजस्ट वेट फॉर टू मिनट स्टार्ट ओके जस्ट बी पेशेंट फॉर टू मिनट्स ये वीडियो किन के लिए है ये लेक्चर स्टार्ट हो रहे हैं फॉर दो स्टूडेंट्स जिनका अटेम्प्ट जून ट्वेंटी ट्वेंटी रहेगा ठीक है थेके? जो स्टूडेंट्स का जून 2021 एंड ऑनवर्ड्स है उन बच्चों के लिए वीडियो रहेगा ओके? यस पीपल वेरी 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 गुड मॉर्निंग चाहे तो अपनी पानी की बॉर्डर लेके बैठ जाओ अ पार पैक्ट प्रॉपर वन आर का लेक्चर हलो हेलो 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 एवरी वन यस पीपल चलो कदो Yes. बच्चों हाँ ये आ, ये जो वीडियोस हैं ये लेक्चर्स चल रहे हैं फॉर जून 2021 एंड ऑनवर्ड जैसे कि मैंने कहा तो अगर कोई व्यक्ति दिसंबर अटेम्प्ट का इन वीडियोस में आ चुका है तो ये आइडियली उनके लिए नहीं रहेंगे बिकॉज आप लोगों के बैचेस अभी तक तो कंप्यूटर के सेल्फ स्टडी होने चाहिए तो जो भी आपके क्वेरीज रहेंगे ना अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि मैराथन कब होने वाले हैं अमेंडमेंट लेक्चर्स वगैरह के लिए तो उन सब के लिए एक सेपरेट वीडियो के माध्यम से मैं आपसे बात करूंगा ठीक है तो एक सेपरेट वीडियो के, के माध्यम से मैं आपसे बात करूंगा ओके और बिल्कुल आएंगे अमेंडमेंट उसमें कोई बिल्कुल आएंगे मैराथन लेक्चर उसमें कोई दो राय नहीं है बट वो कब आएंगे कैसे आएंगे उसके लिए मैं आपसे अलग से बात करूंगा ओके पीपल चलो ग So shall we start now? Shall we start, people? Shall we? Shall we start? Yes, people. Very, very, very good morning to all of you. My name is Shubham Suklecha. आप में से कुछ लोग मुझे जानते हैं, आप में से कुछ लोग मुझे नहीं जानते हैं. Since I don't teach the first foundation level, तो जनरली एग्जीक्यूटिव लेवल वो समय होता है जब हमारा हमारी मुलाकात होती है एग्जीक्यूटिव लेवल पे आई टीच कंपनी लॉ एज वेल एज सिक्योरिटीज लॉ एंड एट प्रोफेशनल लेवल एज वेल आई बी टीचिंग यू कॉर्पोरेट फंडिंग इन सोलवेंसी लॉ एंड मल्टी केस स्टडीज तो यहां से हमारा साथ शुरू होता है जो कि शायद बहुत लंबे समय तक जाने वाला है यहां पर अगर मैं बात करता हूं पहले पांच मिनट मतलब मेरा कैसा आउटलुक रहेगा इस लेक्चर के बारे में सबसे पहले कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले हमें थोड़ा समय लगता है उस टीचर के साथ एडजस्ट होने में थोड़ा समय का मतलब मेरा कहना है कि वो समय लगेगा पंद्रह से बीस मिनट तो पंद्रह से बीस मिनट में आप और मैं थोड़े से रूबरू हो जाएंगे सो दैट विल बी स्टार्टिंग द लेक्चर एंड देन दी टुवर्ड द लास्ट लेक्चर यू फील वेरी कंफर्टेबल तो थोड़ा सा पांच मिनट पहले मैं अपने बारे में बताऊंगा गिव यू अबाउट द सब्जेक्ट एंड एवरीथिंग एंड देन वी स्टार्ट द सब्जेक्ट तो सबसे पहले तीन क्वेश्चन के हम आंसर दूंगा सबसे पहला क्वेश्चन सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा अबाउट माई सेल्फ

from the prestigious ILS Law College. In 2011, I started my law and parallelly while I was pursuing my LLB, parallelly I've done my chartered accountancy and I've done my company secretaryship as well. So by 2016, I had completed my CS. I completed my CS at the age of 20. Then at the age of 21, I completed my CA and parallelly, my LLB also completed. In 2017, I've completed my LLM, that is Masters and I've, the specializing subject was corporate law. फ्रॉम दिस पैरल मतलब अगर मैं अप्रॉस बोलू तो नाइन सर्टिफिकेट कोर्सेज डिप्लोमा कोर्सेज इन वेरियस लीगल स्ट्रीम ओनली जैसे कि कॉम्पिटिशन लॉ हो गया आईपीआर हो गया कॉरपोरेट लॉ हो गया साइबर लॉ हो गया इसके अंदर जहां जहां मुझे इंटरेस्ट लगा कि जो रेगुलर करिकुलम में कवर नहीं हो पाता है उसके अंदर मैंने सर्टिफिकेट कोर्सेज डिप्लोमा कोर्सेज किए थे यह सब करने के बाद में एक जो दिमाग मेंटल क्लैरिटी थी वो ये थी यारो दैट जो एक माइंड सेट है ना सब लोगों का जो जनरल माइंड सेट the general mindset among people is that ke nahi yaar these professional courses are damn difficult that pursuing a professional course needs very matlab aisa sab kuch duniyadari chhod ke aapko karna padega it is not meant for everyone ye jo ek mindset hai this mindset has to change because trust me अगर मेरे जैसा एक एवरेज व्यक्ति ये सारे courses को बहुत comfortably कर सकता है तो any person can do it who is determined इज डिटर्मेंट सो एक चीज मेंटल क्लैरिटी थी कि भाई साहब अगर डिटर्मिनेशन के साथ में कोई भी व्यक्ति करना चाहे तो वो आराम से कर सकता है और ये माइंडसेट चेंज करने के इंटेंशन से सिंस आई एव क्लियर्ड माय प्रोफेशनल कोर्सेज उसके बाद से ही एंड फॉर दैट मैटर उसके पहले से ही आई स्टार्टेड टीचिंग एंड थैंकफुली बाय द ग्रेट रिस्पॉन्स गिवन बाई यू पीपल एंड सिंसर अभी तक विद द सेम जील विद मोटिवेशन आई मेन टू टीचिंग ओके आगे कैसे चलने वाले हम लोग अबाउट द बैच ये हो गया एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ इसके बाद बात करता हूं अबाउट द बैच तो यह बैच कैसे प्रोग्रेस करने वाला है फोकस करना बहुत अच्छे से विथ रिस्पेक्ट टू दिस बैच यू ऑल विल हैव अप्रोक्स नाइन्टी से लॉ यू ऑल विल हैव अप्रोक्स नाइनटी सेशन फॉर कंपनी लॉ So, जो इनिशियल होंगे वो तो बहुत छोटे रहेंगे बिकॉज अभी जो शुरुआत में हमारे सेशंस रहने वाले हैं, इसका इंटेंशन रहेगा टू सब्जेक्ट के बिकॉज एक, अच्छा एक तो बिकॉज अगर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं इनिशियल ग्रिप है वो नहीं है तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते तो जो शुरुआत के लेक्चर्स रहने वाले वो सिर्फ इससे छोटे रहेंगे जिसमें आपका सब्जेक्ट पे ग्रिप आ जाए जिसको मैं लेवलिंग कहता हूं अगर हमें कभी भी कोई इमारत बनानी है कोई बड़ी सी बिल्डिंग बनानी है तो स्टेप वन इज नॉट कि हम ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर स्टार्ट कर देते हैं स्टेप वन इज कि अगर वहां पे कोई छोटा मोटा कंस्ट्रक्शन है तो उसे हम डिमोलिश करते हैं जो हमारी नींव होती है नींव को हम स्ट्रॉन्ग करते हैं फाउंडेशन को स्ट्रांग करते हैं उस पर बहुत मेहनत करते हैं और उसके बाद जाके इमारत बनना शुरू होती है तो सेम अप्रोच यहां पर रहेगी कि माई स्टेप वन इज नॉट गोइंग टू टीच यू चैप्टर नंबर वन टू थ्री फोर बैक टू बैक शुरू कर दिया नहीं द इंटेंशन इज गोइंग टू बी सबसे पहले हमें ये करनी है कि हम सब स्टूडेंट्स को पहले एक सेम लेवल पे आ जाना है कोई स्टूडेंट हो सकता है जो कि सीबीएसई में पढ़ाओ कोई हो सकता है जो कि स्टेट बोर्ड में पढ़ाओ कोई हो सकता है जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाओ कोई हो सकता है जो रिस्पेक्टेड उनके रीजनल लैंग्वेजेस में पढ़ाओ हो सकता है कोई स्टूडेंट जिसने सीएसईटी बहुत सिंसियरली पढ़ाओ हो सकता है स्टूडेंट जो ऊपर ऊपर से पढ़ के पास हो गया हो सकता है कि उस जिसने सीएसईडी के क्लासेस भी प्रॉपरली हो सकता है कि उस जिसने यूट्यूब लेक्चर से पास हुआ सो माई पॉइंट इज कि हम सब लोग अभी अलग अलग जगह पे होंगे तो मेरा इनिशियल लेक्चर्स में जो मेरा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव रहेगा वो रहेगा कि सबको मैं लेवलिंग कर दूं लेवलिंग अगर हो चुके ना तो हम सब लोग एक लेवल पे आ चुके कि हम सबके बेसिक है एंड आफ्टर इमारत बनेगी तो आज से कभी भी जीवन में मतलब आज से 20 साल बाद भी अगर आप एज अ प्रैक्टिसिंग सीएसबी कहीं कोई इशू में आते हैं कुछ फेस करते हैं तो अगर आपका बेस स्ट्रांग है तो आपको कभी तकलीफ नहीं आएगी एंड सिंस कंपनी लॉ इज गोइंग टू बी ब्रेड एंड बटर फॉर द रेस्ट ऑफ लाइफ आई बिलीव कि इसकी फाउंडेशन स्टार्ट होना स्ट्रॉग होना बहुत जरूरी है दैट इज माई इनिशियल फोकस इज टू ग्रेड परसेंट ऑन द फाउंडेशन पार्ट तो हमारा पूरा पूरा रहेगा रहेगा फोकस रहे कि हम पहले बेसिक्स को अच्छे से स्ट्रॉग करके चलेंगे ठीक है नाइनटी सेशन है ये जनरली जाते हैं अप्रोक्सीमेटली वन फोर्टी आयर्स के आसपास जो 90 सेशंस हैं वो अप्रोसीमेटली 140 हंड्रेड के आसपास जाते हैं इनिशियली छोटे सेशंस रहते हैं फिर धीरे धीरे बढ़ते हैं अर्स सॉ तो बहुत ही जायजेन्टिक आपने फिगर दे दिया कि 140 फोर्टी आयर्स कैसे होंगे 140 फोर्टी आर्स में आपका बहुत कुछ बहुत कुछ बहुत कुछ रहेगा बिकॉज कंपनी लॉ स्टेप वन इज नॉट स्मॉल सब्जेक्ट इज नॉट ए स्मॉल सब्जेक्ट सॉरी वन फोर्टी आवर्स का अप्रॉक्सिमेशन कैसे बिकॉज जो से पिछला बैच हुआ है जो पेनड्राइव लेक्चर्स होते हैं उसमें अप्रोक्स 140 फोर्टी आयर्स का कंटेंट जाता है बिकॉज कंप्ती इज नॉट अ स्मॉल सब्जेक्ट uh, हमें सिर्फ पढ़ना नहीं अगर हमें मेयरली पढ़ना होगा तो हम उससे भी जल्दी में खत्म कर सकते हैं बट हमें हर एक सेक्शन की गहराई तक जाना है कि सेक्शन क्यों आया कैसे आया इस इसमें कितने प्रकार के केस स्टडी क्वेश्चन बन सकते हैं और इसका प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन क्या है तो अगर हम उस आउटलुक से पढ़ते हैं तो उससे होगा ये कि आपका सिर्फ एग्जीक्यूटिव का एक कंपनी का सिलेबस कम सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं होता है इससे आपका जो प्रोफेशनल के अपकमिंग बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं वो भी क्लियर हो जाते हैं बिकॉज प्रोफेशनल में आप मान के चलिए 400 प्लस मार्क्स का कंपनी लॉ आता है कंपनी लॉ नाम का कोई सब्जेक्ट नहीं है बट 400 प्लस मार्क्स के कंपनी लॉ रिलेटेड सब्जेक्ट्स आएंगे फॉर एक्जाम्पल सीआर आता है उसमें भी कंपनी लॉ ही है डीडी आता है उसमें भी कंपनी लॉ ही है तो ऐसे आपके बहुत सारे सब्जेक्ट्स रहेंगे प्रोफेशनल पे जो कंपनी लॉ के बेस पे रहेंगे तो अगर आप इसको सिर्फ एक सब्जेक्ट पास होने के आउटलुक से देखते हो तो आपको कहीं ना कहीं प्रोफेशनल में या प्रैक्टिस के अंदर फ्यूचर प्रॉब्लम आएगी लेकिन अगर हम इस सब्जेक्ट को इस तरह से देखते हैं कि नहीं सब्जेक्ट नहीं है हमें इसको इस तरह से पढ़ना है जैसे कि हमारा ब्रेड एंड बटर रहने वाला है फॉर द रेस्ट ऑफ आर लाइफ तो आपको उस आउटलुक से अगर कंपनी में पढ़ते हैं तो एग्जाम पास होना तो आपके लिए केक जाएगा हाँ एफर्ट्स थोड़े एक्स्ट्रा लगेंगे आई हंड्रेड परसेंट अग्र की जो नॉर्मल एफर्ट्स लेते हैं लगते हैं उससे थोड़े से मैं शायद ज्यादा उम्मीद करूंगा आपसे ज्यादा एफर्ट्स लगेंगे बट उससे आपको बेनिफिट सिर्फ एग्जीक्यूटिव लेवल पर नहीं होने वाला है उसका बेनिफिट आपको प्रोफेशनल प्रैक्टिस एज वेल एज जॉब में रहेगा मतलब इवन वेन यू आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू जब आप इंटरव्यू के लिए भी जाएंगे तब भी आपको उसका एज मिलने वाला है तो एकदम सिंपल कि थोड़ा सा आपको लगेगा कि सर ओवर हो रहा है ये आपको आगे लगेगा शुरुआत में तो बहुत ही सिंपल रखेंगे हम तो आपको लगेगा सर यार इतनी तो जरूरत नहीं होगी लेकिन वो सब अगर आपने यहां पे कर लिया तो मैं आपको एग्जाम का पेपर वुड बी लाइक अ केक वॉक वुड बी लाइक अ केक वॉक और अगर आप अपने सीनियर से पूछेंगे तो जनरली जब सीएस एग्जीक्यूटिव के एग्जामिनेशन होते हैं तो उसमें कंपनी लॉ का पेपर कभी कभी बाउंसर आ सकता है तो इफ इट ऑल हमारी लेवल ऑफ प्रिपरेशन ही यहां पर रहेगी तो अगर पेपर एवरेज आए तो तो हमें समझ ही जाएगा लेकिन अगर पेपर बाउंसर भी आया तो वील बी एबल टू टैकल इट कंफर्टेबली सो विद दैट इंटेंशन वी टू गो विद लेक्चर ओके चलो तो पहली चीज ये होगी दूसरी चीज विद रिस्पेक्ट टू बुक्स विद रिस्पेक्ट टू बुक्स आपको तीन बुक्स मिलेगी वन टू एंड थ्री पहली आपकी वॉल्यूम वन, मेरी हैंडराइटिंग में मत जाइएगा हैंडराइटिंग धीरे धीरे इंप्रूव होती रहेगी थ्रू आउट द बैच दूसरी बुक वॉल्यूम टू इसके अंदर आपका कंपनी लॉ बेहतरीन तरीके से कवर्ड होगा तीसरी बुक एक बहुत ही स्पेशल बुक है जिसके ऊपर मैंने बहुत मेहनत की है एंड द बुक इज नोन एज ज्ञान इस बुक का जो इंपॉर्टेंस है वो आपको अभी समझ में नहीं आएगा इस बुक का इंपॉर्टेंस आपको धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तब समझ में आएगा इस बुक में हर वो चीज है जिसको आपको कभी जरूरत पड़ेगी मतलब समझो जो जो चीजों की आपको जरूरत हो सकती है वो सारी चीजें इस बुक में ऑलरेडी इंक्लूड की हुई आप क्वेश्चन बोलो आप केस लॉस बोलो आप कंपाइलेशन बोलो जैसे कि एक व्यक्ति को लगता है कि सर कंपनी लॉ में हमने पढ़ा है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन स्पेशल रेजोल्यूशन पास होते हैं तो कहां कहां पे कहां कहां पे हमें स्पेशल रिजोल्यूशन पास करने हैं पूरे कंपनी में कितनी जगह पे स्पेशल रेजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट है तो इसमें आपको उसका भी एक एक पेज मिल जाएगा कि स्पेशल रेजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट कितनी जगह पे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन कितनी जगह तो हर वो चीज हर वो चीज जो आपको तीन महीने बाद छह महीने बाद लगता है कि जरूरत पड़ सकती है वो सब मैंने ज्ञान में ऑलरेडी इंकॉर्परेट करके आपको मिलेगी तो ये आपको पढ़ी नहीं है बैठ के बट जब भी आपको कुछ लगेगा यार ये होता तो अच्छा रहता और अब ज्ञान को ओपन करेंगे एंड सरप्राइजिंगली वो चीज आपको ऑलरेडी वहां मिलेगी

जो कि बहुत ही अहम रोल प्ले करेगा आपके कंपनियों के अंदर दैट इज राइटिंग प्रैक्टिस एंड टेस्ट ये दो ऐसी चीजें जिसको लेकर इफ एट ऑल यू टू कॉम्प्रोमाइज तो फिर कहीं भी आप लोग उतना आगे नहीं बढ़ पाएंगे तो ये दो चीजें जिसको लेकर मेरी आपसे अपेक्षा रहेगी कि राइटिंग प्रैक्टिस आपको बहुत शिद्दत से करनी है मतलब शिद्दत से करनी है एज इन दिस इज समथिंग जिसके लिए मुझे अफसोस समझना मेरी बात को बहुत केयरफुली मुझे अफसोस हुआ था कि यार इज वाई इज दिस सीएस फाउंडेशन रिप्लेस विद सीएसईडी अभी गुस्सा कोई नहीं करेगा यहां पे, कोई गुस्सा नहीं करेगा ठीक है लेकिन मैं बहुत खुश नहीं था जब इन्होंने सीएस फाउंडेशन से रिप्लेस कर दिया था सीएसईटी को मैं खुश क्यों नहीं था मैं खुश इसलिए नहीं था बिकॉज जब सीएस फाउंडेशन हुआ करता था एंड आई स्टिल स्ट्रांगली बिलीव मैं आज भी बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूं दैट लेवल वन जो किसी भी करिकुलम का होता है दैट हैज टू बी टफ

यहां से आप जब आए तब आपकी राइटिंग प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं हुई है बिकॉज आप लोगों ने जब पढ़ा है उसको सिर्फ एक आउटलुक से पढ़ा है कि इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं ताकि एग्जाम में कोई भी एमसीक्यू आएगा तो विल बी एबल टू हैंडल इट ओके सो योर माइंडसेट हैज बीन वेरी क्लियर दैट यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन वन थिंग दैट वन थिंग हैज बीन व्हाट टू अंडरस्टैंड बट व्हेन इट कम्स टू सीएस एग्जीक्यूटिव स्टेप वन इज टू अंडरस्टैंड स्टेप टू इज टू अब्सॉर्ब इट सर अब्सॉर्प्शन क्यों कह रहे हैं बिकॉज सी एसईटी के मुकाबले सीएस एग्जीक्यूटिव में करिकुलम इज वेरी फास्ट

तब से आपके एक एक क्वेश्चन आने चालू हो जाएंगे और हर एक चैप्टर के एंड में आपको पूरे पास क्वेश्चन मिलेंगे जैसे कि अगर मैं कोई भी चैप्टर के एंड पे आता हूं जैसे कि चैप्टर शुरू होता है तो सबसे पहले उसमें एक्सपेक्टेड मार्क्स इन एग्जामिनेशन जब जब हम चैप्टर पढ़ते रहेंगे उसके साथ में आता रहेगा ठीक है मैं ये नहीं बता रहा था मेन फीचर है जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा उसके साथ में आपके पास उस चैप्टर के जो भी पास क्वेश्चंस होंगे वो सारे पास्र क्वेश्चंस आपको यहां पे मिल जाएंगे हर एक चैप्टर के एंड में तो उससे क्या होगा हम राइटिंग प्रैक्टिस भी वेग नहीं करेंगे कि हां कोई भी क्वेश्चन आया और ये क्वेश्चन का राइटिंग प्रैक्टिस नहीं राइटिंग प्रैक्टिस होगी पास्ट ईयर क्वेश्चन की तो हमारे पास हमारे नोट्स में ही सारे पास्ट ईयर क्वेश्चन रहेंगे सो दैट विल भी हां हां ये भी हो पा रहा है ये भी हो पा रहा है ये भी हो पा रहा है सो दैट प्रेपरेशन के साथ ही यूल बी रेडी विथ अ माइंडसेट कि हां एग्जामिनेशन भी किस तरह से देना है So हाँ फोकस कर लेना है सो दट so हमारे आगे प्रोफेशनल में प्रैक्टिस में इशू नहीं हो बट ये भी देखते हुए इनको लेके आप रिलीजियस हैं सो दे वर्ल्ड कैन स्टॉप यू एंड एस आई ऑलवेज से अगर मेरे जैसा एवरेज व्यक्ति सारे वे वे

टीचिंग एंड आप लोगों का जो प्यार है उसके कारण सेल्सो स्टार्टिंग बट यू सी दीवियस बैच का फर्स्ट सी एक होता है हमेशा 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 इस तरह से बना रहा था एंड उसी के साथ में इसी नोट पे अबाउट मी हो चुका है अबाउट द बैच हो चुका है अब आता हूं अबाउट दी सब्जेक्ट चलो गस पीपल फोकस करो यहां पर मुझे बस बताओ सब्जेक्ट पे जाने का मन हो रहा है ना भी लेट्स गोटू दब्जेक्ट कमती हूं शुरू सब्जेक्ट ऑफ से आपसे पीस ऑफ क्वेश्चन कह देता हूं सुना ध्यान से बीन टेकिन लाइव वर्चुअल बैच जैसे एग्जीक्यूटिव के लिए अभी स्टार्ट हो रहा है मेरा पिछले चार महीने से प्रोफेशनल का लाइव वर्चुअल बैच ही चल रहा था तो पूरा एक लाइव वर्चुअल बैच पढ़ाने के बाद मैं आपको प्रोजन कौन सा बताऊंगा एक जो कौन है उसका एक जो डिमेरिट है मेरी बात को समझना जिसको ध्यान में रखते हुए मैं हर एक चीज को रखूंगा फोकस करना अच्छे से एक डिमेरिट कैसा होता है कि मान लीजिए अभी बच्चे पढ़ पढ़ रहे हैं एकदम एंड ऑफ कोर्स अ गुड जनरली स्टडीज तो एक पढ़ रहा है उसमें कोई भी एक नेचुरल कैलेमिटी आ गई और एक व्यक्ति को उठ के जाना पड़ गया नेचुरल कैलेमिटी आ गई एक व्यक्ति को उठ के जाना पड़ गया ठीक है अब वो व्यक्ति उठ के जा चुका है और वो पांच वोटा जाके यहाँ पे बैठता है एंड आफ्टर जब अब लेक्चर चल रहा है ओके और उसको एक अरे यार ये ये तो तो एंड ही टाइप्स मैसेज एंड चैट्स में सेंड कर देता है ऐसा 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 ये क्या हुआ जबकि पूरा बैच जो है ना उस चीज को कंफर्टेबली लेकर अगले टॉपिक पे जा चुका है अब एज टीचर समझिए ना तो मैं पूरे इतने ऑफ स्टूडेंट्स का टाइम वेस्ट कर सकता हूं और ना ही मैं उस गधे को पीछे छोड़ सकता हूं बिकॉज उस गधे को भी साथ में लेकर आना है और उन सबको भी साथ में लेकर चलना है एंड दैट इज वाई हाउ आई फंक्शन इज कि जैसे जैसे आपको कभी भी कोई भी क्वेरी आती है तो यू कैन पोस्ट इट तो चैट सेक्शन में आपको कोई भी क्वेरी आती है आप कंफर्टेबली पोस्ट करते रहिए अगर मुझे लगता है कि वो क्वेरी मुझे उस समय पे नहीं लेनी है तो मैं वो क्वेरी लूंगा लेक्चर के एंड में और डेली लेक्चर के एंड में हमारा डाउट सेशन रहेगा जिसमें मैं जो भी आपकी पॉसिबल क्वेरी है बोलूंगा ठीक है हंड्रेड परसेंट दिस इज माय वर्ड टू यू कोई भी लेक्चर ऐसे कंप्लीट नहीं होगा कि लेक्चर कंप्लीट हो चुका है और आपकी क्वेरी अनरिजॉल्व रहेगी

एक व्यक्ति ने एक चीज पूछा था सर विल दिस वीडियो भी अवेलेबल टू व्यू अगेन येस ये जो पहले दस दिन, दिन के वीडियो है तो यूट्यूब पर रहने वाले हैं तो आप देख ही सकते हैं बट मेरा कहना है हमेशा लाइव प्रेफर करो व्हेन यू सी वीडियो इन लाइव ना तो जब लाइव में वीडियो होता तो है उसका अलग जोश होता है अरे यू आई टेल यू वट पेन ड्राइव्स डमी के अवेलेबल है फॉर ऑल्जेक्ट ऑल द सब्जेक्ट बट स्टिल ईच एंड एवरी टीचर इज टेकिंग एफर्ट कि नहीं यार यहाँ पढ़ाएंगे लाइव का द मेजर ऑब्जेक्टिव लाइव में स्टूडेंट टीचर कनेक्ट करता है एंड बिकॉज ऑफ कोरोना कैसे आ रहा हूं वैसे ही हम लोग बहुत थोड़ा सा एक नेगेटिविटी हर एक के दिमाग में आ जाती है यार क्या करो सही चल रहा है नहीं चल रहा है सो वैन यू मीट यूर टीचर डेरी वैन वी मीट यू डेरी मोटिवेशन जो है ना थ्रू आउट एंड तक रहता है सो दिस इज द रीजन Why? We always suggest you कि आप लाइव भी देखो बढ़िया मैम एंड टेस्ट कैसे कंडक्ट होने वाला है उसके लिए कि हमारा अपना एक एप्लीकेशन होता है जिसपे आप हम आपको टेस्ट पेपर देते हैं आप उस टेस्ट पेपर के आंसर लिखते हैं अपलोड करते हैं हम उन टेस्ट को चेक करते हैं और वहां से आप अपना आंसर चेक किया हुआ देख सकते हैं तो उसका हमारा पूरा एप्लीकेशन है उस पर टेस्ट चेक होता है फुल जोश क्या बात है रिविजन बुक चार्ट बुक कैसे रहेगी श्याम मेरी एक चार्ट बुक तो है लेकिन मेरा स्टूडेंट को रिविजन करने के लिए जो एक तरीका होता है वो ऐसा होता है कि जब आप मेरी बुक देखेंगे आपके सामने आएगी मेरी बुक सिर्फ राइट एंड साइड पे भरी होती है लेफ्ट एंड साइड पूरी ब्लैंक होती है तो मेरी बुक अगर आप ओपन करेंगे सिर्फ राइट एंड साइड पे कंटेंट होता है एंड लेफ्ट एंड साइड पूरी ब्लैंक होती है तो जैसे जैसे मैं पढ़ाता हूं मैं लेफ्ट एंड साइड पे आपको वहीं पे चार्ट्स वगैरह बनवाता रहता हूं तो जब आपको सेल्फ स्टडी करनी है यू टू जस्ट रीड द लेफ्ट साइड, जो कि हमारे बनाए हुए चार्ट्स हैं। तो जैसे जैसे आपको बुक मिलेगी और आप आगे बढ़ोगे तो आपको बेटर तरीके समझेगा मैं क्या कहने की कोशिश करूं ओके okay, पीपल चलो सब्जेक्ट को जान, देखने की इच्छा रखते हो ना फोर्स लेक्चर यूट्यूब भविष्य हाउ डाइस कंडक्ट यस गजंश आप कितनी बार देख पाएंगे आ, इसके लिए आप अकेडमी बात कर सकते हैं तो फिर आपके लिए और आसान हो जाएगा ओके okay. मैं थोड़ा ज्यादा एक्साइटेड हो गया तो आई जस्ट टॉक लिटिल स्लो ओके अरे प्राप्ति 110 110% पर्सेंट हंड्रेड एंड आई टे यू जस्ट द फर्स्ट बुक्स आर इन टू क्लियर द एक्सामिनेशन बट यू हैव टू थिंक अ लिटिल ब्रॉडर राइट नाउ

सब्जेक्ट के बारे में बताने के लिए फोकस करना अच्छे से इंस्टीट्यूट का आपको कहना है दैट कंपनी लॉ का पेपर इन द एग्जामिनेशन इज गोइंग टू बी ऑफ हंड्रेड मार्क्स एग्जाम में सौ मार्क्स का पेपर आएगा उसके अंदर जो पार्ट वन रहने वाला है दैट विल बी कंपनी लॉ प्रिंसिपल्स एंड कंसेप्ट कंपनी लॉ प्रिंसिपल्स एंड कंसेप्ट कंपनी लॉ क्या होता है उसके बेसिक प्रिंसिपल्स और उसके concepts, ये एग्जामिनेशन में आएंगे फॉर फिफ्टी गुड मार्क्स एक्जामिनेशन में आएंगे फॉर 50 गुड मार्क्स तो 50 मार्क्स का 50 मार्क्स का एग्जामिनेशन के अंदर आएगा आपका पार्ट ए ठीक है एकेंड आता है पार्ट टू कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन एंड मीटिंग्स ये आता है आपका एग्जामिनेशन में फोर्टी मार्क्स का दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एंड उसके बाद पार्ट थ्री कंपनी सेक्रेटरी एज ए प्रोफेशन ये ऐसे ही है टेन मार्क्स का दिया टेन मार्क्स में से टेन ऑन टेन भी आ सकते हैं आपके दिस इज वेरी इजी पार्ट कंपनी सेक्रेटरी एज ए प्रोफेशन में कंपनी लॉ पढ़ना ही नहीं है तो आपके हंड्रेड मार्क्स के कंपनी लॉ के पेपर में एक्चुअली कंपनी सिर्फ डाउन नहीं करना है मेरे लेक्चर में कुछ भी डाउन करना होगा तो मैं आपको बोलूंगा जब भी मैं कोई चीज बोल रहा हूं तो आपको सिर्फ उस चीज को सुनना है अच्छे से नाइनटी मार्क्स का रहने वाला है आपका कंपनीज एक्ट एंड टेन मार्क्स का रहने वाला है सीएस एक्ट अब 90 मार्क्स सीएस एक्ट मतलब कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट तो इसमें पढ़ेंगे कि सीएस क्या कर सकता है सीएस क्या नहीं कर सकता है जिस दिन आप सीएस बन गए उसके बाद में भी आपके ऊपर क्या क्या रेस्ट्रिक्शन रहेंगे आप क्या चीज कर सकते क्या चीज नहीं कर सकते कभी ऐसा देखा क्या सुना मेरी बात को कभी ऐसा देखा गया कि कोई व्यक्ति सीएस बन गया और सीएस बनकर कोई एक कॉम्प्लेक्स के बारे में खड़ा है ऐसे पैम्पलेट छपवा दिया और पैंपलेट बांट रहा है कंपनी इनकॉर्पोरेशन कॉर्पोरेशन पांच सौ रुपए पांच सौ रुपए पांच सौ रुपए काम्पनी इन कर लो कंपनी कोई सीएस को कभी देखा है कैसे करते हुए नहीं किसी डॉक्टर को देखा है कि कभी ऐसे करते हुए नहीं क्या इसका यह मतलब है क्या नहीं यार बिकॉज क्लाइंट ही क्लाइंट है अरे इतने क्लाइंट है कि क्लाइंट संभालने का टाइम नहीं है नहीं डिस्पाइट बींग कंपनी सेक्रेटरी देर माइट बी अ फ्यू कंपनी सेक्रेटरी चार्टेड अकाउंटेंट्स और डॉक्टर्स जो कि अभी भी अपने क्लिनिक में बैठे हैं यार अपने ऑफिस में बैठे हैं कि यार क्लाइंट चाहिए बट स्टिल दे के नॉट डू दिस बिकॉज देर आर एक्ट्स

ये डिस्कशन तीन पार्ट में बटा अबाउट मी मेरे बारे में आप जान चुके शुभम सुक् मेरा नाम है अबाउट द बैच मैंने बता दिया एक फेर आइडिया का बैच कैसे चलने वाला है अब आ रहा है अबाउट द सब्जेक्ट सो फोकस ये वेरी केयरफुली कंपनी लॉ का जो हंड्रेड मार्क्स का मैंने एक और चीज पहले क्लियरली कही है कोई भी स्टूडेंट मेरे साथ साथ नहीं लिखेगा मैं लिख लूंगा उसके बाद मैं आपको समय दूंगा लिखने के लिए फोकस सिर्फ फोकस कंपनी लॉ का हंड्रेड मार्क्स का पेपर आता है 100 मार्क्स में से 50 मार्क्स का है पार्ट ए 40 मार्क्स का है पार्ट बी एंड 10 मार्क्स का है पार्ट सी ठीक है पार्ट ए में भी कंपनीज एक्ट है पार्ट बी में भी कंपनीज एक्ट है पार्ट सी में कंपनीज एक्ट नहीं ये है सीएस एक्ट फिर सर उन्होंने कंपनियों के सिलेबस में क्यों रखा उनकी इच्छा फोकस करना अच्छे से आई बी टेकिंग अप ऑल ऑफ योर क्वेरीज एज वेल फोकस करना अच्छे अच्छे से से फोकस करना ओके सो नाउ अंडरस्टैंड 50 मार्क्स का पार्ट ए 40 मार्क्स का पार्ट बी एंड मार्क्स का पार्ट सी रहने वाला है ठीक है ये फिफ्टी मार्क्स के लिए आपके सिलेबस में है चैप्टर्स दीज फिफ्टी मार्क्स यू हैीड 14 चैप्टर्स

मेरे साथ में बने रहेंगे ये क्यों जरूरी है डे वन पे आपके दिमाग में पूरा सिलेबस चिपक जाना चाहिए ताकि मैं जब आपको पढ़ाना चालू करूं अरे हाँ सर ये पढ़ा रहे हैं इससे एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है ये इस पार्ट में कवर होता है तो मेंटल क्लैरिटी के लिए ये चीज समझना बहुत जरूरी है फोकस करना अच्छे से ये पार्ट वन चैप्टर नंबर नंबर चैप्टर टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन तक तो फोर्टीन तक चल रहा है आपका क्या फोर्टीन तक पूरी तरह से चल रहा है आपका पार्ट वन फिर आते हैं नेक्स्ट सिक्स चैप्टर्स फिफ्टीन ट्वेंटी ये पूरे के पूरे जो चल रहे हैं ये पूरे चल रहे हैं अबाउट पार्ट बी और फिर आता है आपका पार्ट सी जिसके अंदर थ्री चैप्टर ट्वेंटी थ्री नहीं अब मजा आएगा एक तो हमारा मॉड्यूल बहुत जबरदस्त है मॉड्यूल तीसरी बार इंडेक्स दे रहा है रुक जो, रुक जाओ जाओ अब मैं आपको पेज नंबर के साथ कुछ बताना चाह रहा था नोट्स पे नहीं मैं मॉड्यूल की बात कर रहा हूं ये उन्होंने और सिंगल पेज के अंदर दिया हुआ है फोकस करना कि सिंगल पेज में पूरा आपका सिलेबस कि वन टू फोर्टीन फिफ्टीन टू ट्वेंटी एंड ट्वेंटी मार्क्स का कंटेंट है ना, वो शुरू होता है पेज नंबर से और वो कहां तक चलता है? मेरे साथ बने रहना दो मिनट और। पेज नंबर वन से लेकर पेज नंबर 563 पेज वन से लेकर पेज नंबर 563 तक चलता है पार्ट वन 50 मार्क्स का पार्ट वन 50 मार्क्स का

एंड 760 में नहीं है 733 है मतलब तकरीबन 170 पेजेस तकरीबन 170 पेजेस के अंदर दिया हुआ है आपका पार्ट बी और पार्ट सी को तो मैं गिनी रहा हो तो मैं सी एस कैसे ही पढ़ा दूंगा आपको सबना मेरी बात को बहुत अच्छे से ये देख के क्या लग रहा है पार्ट ए है 50 मार्क्स का जिसके 560 पेजेस है मॉड्यूल के पार्ट भी है 40 मार्क्स का जिसके 170 पेजेस का मॉड्यूल के ये देख के आपको क्या लग रहा है अरे बहुत बहुत प्यार आपका यस yes, गधों ये देख के आपको क्या लग रहा है मुझे बताओ कैरी मनाती एक गधों एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि आप, आप लोग यहाँ पे जो अपना नाम है ना वो अपना ही नाम रखोगे उससे होगा क्या ड्यूरिंग द एंटायर बैच मैं आपको पहचान भी जाऊंगा एंड हम लोग बीच-बीच में आ, ये अपना कौन सा है जिसमें अपन लाइव मीट करेंगे जिसके अंदर हम आप एक दूसरे को देख भी पाएंगे तो हम वो भी बीच बीच में करते रहेंगे मैं आपको अच्छे से पहचान लू क्लियर है तो अपना ही नाम रखेंगे राम कैसी बातें कर रहे हैं आप ट्रस्ट मी एग्जीक्यूटिव जैसे कि मैंने शुरू से बात की कि एग्जीक्यूटिव पास होना इज अ केक वॉक ये समझ के आप कंपनी लोग के लिए स्ट्रेटजी बनाते रहे हैं क्या समझ रहे है? मैं आपको क्या बता रहा हूं सुनो हम लोग थोड़ा सा हायर लेवल पे बात करेंगे मैं इसलिए बात करूंगा बिकॉज ये सब करने के बाद आपके लिए पेपर पास होना तो बहुत ईजी हो जाएगा और बहुत सारे ऐसे गधे होते हैं यार यार कि जैसे जैसे पेपर क्लियर भी हो गए फिर वो प्रोफेशनल में तकलीफ आ रही है इंटरव्यूज में तकलीफ आ रही है तो हम इस तरह से पढ़ने की कोशिश नहीं कहीं आपको तकलीफ नहीं मेंटल क्लैरिटी के साथ चलो ये देख के ये समझ में आ रहा है दैट इट इज नॉट रीजनेबल सही बात है डर लग रहा है ना इंसाफी है पार्ट भी अच्छे से कर लेना चाहिए फिफ्टी मार्क्स कवर हो जाएंगे कम पढ़ के आर यूरस्टैंडिंग बहुत सिद्धि क्या बोल रही अबाउट टू डाई आई गेस पार्ट विल बी जन्नत यस तो आपको आज से ये दिमाग में माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि सुनो पार्ट ए पूरा आपको बेसिक्स बिल्ड कर रहा है पार्ट ए में क्या है आपको बस हर एक प्रोविजन बता रहे हैं और इंस्टीट्यूट ने पार्ट भी ऐसा क्यों रखा है इंस्टीट्यूट भी पागल नहीं है ना इंस्टीट्यूट ने क्यों सिर्फ छह चैप्टर फोर्टी मार्क्स के लिए रखे और फोर्टीन चैप्टर फिफ्टी मार्क्स के लिए रखे बिकॉज कल को एज अ सीएस जब आप काम करेंगे वेन विल बी प्रैक्टिसिंग और डूइंग अ जॉब दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर सीएस ये चैप्टर सीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सकते हैं तो जब हम पढ़ेंगे तो आप देखोगे एज ए सी एस यूव टू कंडक्ट बोर्ड मीटिंग यूव टू कंडक्ट जनरल मीटिंग तो वो सारे चैप्टर्स हैं वो उन्होंने यहां पे दिए वो सारे चैप्टर्स उन्होंने यहाँ पे दिए हैं तो एज ए सी कल को प्रैक्टिस करने के लिए भी ये पार्ट भी जरूरी है तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि मैं जैसे कि बैच स्टार्ट करूंगा चैप्टर नंबर पढ़ा रहा हूँ चैप्टर नंबर टू पढ़ा रहा हूं शुड बी यस सर बहुत अच्छा लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है नॉलेज मिल रही है सब अच्छा चल रहा है जिस दिन मैं पार्ट भी शुरू कर दूंगा दोनों कान खड़े कि पार्ट भी चल रहा है पार्ट पार्टी चल रहा है पार्ट भी चल रहा है पार्ट भी चल रहा है ये सब शांत हो जाओ पार्ट भी ये पापा मम्मी सब शांत हो जाओ पार्ट भी चल रहा है द पॉइंट इज जस्ट कि जैसे ही पार्ट भी जैसे ही पार्ट भी शुरू होता है उसके बाद के कान खड़े मतलब भाई ये वो पार्ट है जो कि एग्जाम में आपको वन मार्क्स भी इधर का उधर नहीं होना चाहिए दिस माइंडसेट हैजू भी वेरी क्लियर आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस माइंड सेट हैज भी वेरी क्लियर कि आपके लिए पार्ट भी कितनी इंपॉर्टेंस रखता है आई होप कम्युनिकेटेड इट वेरी क्लियरली अब आप लोगों का एक और क्वेरी हो सकता है मुझे बताओ मुझे एक क्वेश्चन है आपसे सीएसई टी में बचाओ क्या आपके पास में ऐसा था क्या कि किसी सब्जेक्ट के अंदर फर्दर पार्ट थे इकोनॉमिक्स बोलो लॉ बोलो जिसके अंदर पार्ट्स थे कि ये पार्ट इतने मार्क्स का ये पार्ट इतने मार्क्स का ऐसा सीएसई टी में पार्ट्स थे क्या सीएसई में पार्ट थे क्या मुझे बताओ एक गधा जो भी बीच में कुछ भेज रहा है मैं सबका आंसर करके जाएगा यू हैव माई वर्ड बट अभी के लिए मैं फोकस करना चाह रहा हूं इस कंटेंट पे सीएसईडी में कोई पार्ट थे क्या मुझे बताओ आप लोग किसी भी सब्जेक्ट के अंदर की ये 50 का आएगा 50 का आएगा कुछ भी नहीं थे सी तो एस में जब आप पढ़ रहे थे ना तब आपके पास में ऐसा कोई प्लानिंग करने का तरीका नहीं था आपके लिए हर एक चैप्टर उतना इंपॉर्टेंट था आप समझ रहे हो हर एक चैप्टर उतना इंपॉर्टेंट था कि यार ये भी उतना इंपॉर्टेंट ये भी उतना इंपॉर्टेंट है यार इससे भी पेपर में आ सकता है इससे भी पेपर में आ सकता है बट वही डिफरेंस आ जाता है सीएस एग्जीक्यूटिव में कि एग्जीक्यूटिव में व्हेन इट कम्स टू कंपनी और व्हेन इट कम्स टू सिक्योरिटीज लॉ यू विल ऑलवेज हैव बाइफरकेशन तो अकॉर्डिंगली स्टूडेंट प्लान कर सकता है और पास होना बहुत आसान हो जाता है ना मैं आपको कह रहा हूं ये 170 पेज है और इसका मैं आपको कुछ 30 पेजेस में पढ़ा दूंगा मैं ऐसे थर्टी पेजेस दे दूंगा आपको कि जिसके बाद एग्जाम में कुछ आई नहीं सकता है तो आप समझो 200 पेजेस में आपके एग्जाम के 50 मार्क्स तो हो गए ना तो पास तो स्टूडेंट यही हो गया ना आप समझ मेरी बात को तो पास होने का तो डर होना ही नहीं चाहिए ना पास तो स्टूडेंट यही हो गया कि 40 प्लस एंड 50 फिफ्टी तो ऑलरेडी इजी है अरे इतनी इजी मतलब क्या 200 पेजेस 200 पेजेस तो ये ऐसे हो जाते हैं आर यू अंडरस्टैंडिंग एंड हेंस एंड हेंस एंड हेंस आपका फोकस करना अच्छे से आपके लिए बहुत आसान हो जाता है इवेंचुअली प्लान करना चलो बताओ अब आपके दिमाग में एक डाउट होगा कि सर ये जो इंस्टीट्यूट ये जो इंस्टीट्यूट कहता है ना ऐसा कि यार 40 का होगा 50 का होगा 10 का होगा क्या इंस्टीट्यूट असली में फॉलो करता है या वो सिर्फ ऐसे कह देते हैं इज इट एक्चुअली फॉलोड इन द एग्जामिनेशन और नॉट सो देन फोकस वेरी केयरफुली आई जस्ट शो यू अ पेपर गेट अ फेयर आइडिया किस तरह से फॉलो किया जाता है मॉड्यूल के एंड में जाता हूं मैं यहां पर आपको मॉडल पेपर मिल जाएगा ये देखो एग्जाम का पेपर कैसा आता है फोकस करना एग्जामिनेशन में आपका पेपर बिल्कुल ऐसे ही आएगा और इसके न्यू सिलेबस के पेपर हो चुके हैं बहुत सारे तो हर एक एग्जाम में पेपर ऐसे ही है कि सबसे पहले आता है आपका पार्ट वन फिफ्टी मार्क्स का पूरा अलग पूरा पार्ट वन अलग आता है फिफ्टी मार्क्स का ऐसे क्वेश्चन दिए होते हैं फिर आता है आपका पार्ट टू फोर्टी मार्क्स का बिल्कुल अलग फोर्टी मार्क्स का और फिर आता है आपका पार्ट थ्री टेन मार्क्स का तो आप एग्जाम में जाके आप डिसाइड भी कर सकते हो कि आपको पार्ट टू पहले अटेम्प्ट करना है पार्ट थ्री पहले अटेम्प्ट करना है या फिर पार्ट वन पहले अटेम्प्ट करना है सो वट आई एम ट्राइंग टू से हियर विद प्रॉपर प्लानिंग सीएस एग्जीक्यूटिव क्लियर करना इज ऑफकोर्स गोइंग टू बी लाइक अ केक वॉक आर यू अंडरस्टैंडिंग और ये बहुत डेंजरस है सर बहुत बड़ा है बहुत वास्ट है लेकिन आप समझ रहे हो कि भाई साहब फाइफ्टी थ्री पेजेस एग्जाम में तो 50 मार्क्स के लिए आने वाले हैं हम पढ़ेंगे पूरा कि हमें क्लियर रहना है भाई साहब लाइफ में कभी तकलीफ नहीं हो लेकिन वेन इट कम्स टू दीज टॉपिक्स हमारे कान एकदम ऐसे खड़े हुए कि नहीं भाई साहब ये टॉपिक में तो कोई कुछ नहीं बोलेगा मैं चुपचाप पढ़ाई पे फोकस करो घर पर बर्थडे वर्डे कोई मतलब नहीं मेरा पार्ट भी चल रहा है मेरा पार्ट भी सो यू टू बी वेरी क्लियर विद रिस्पेक्ट टू दी प्रोमिनेंस आर यू पीपल विथ मी आर यू पीपल विथ मी अब क्या आप लोग अभी तक

वाइब होनी चाहिए पता तो नहीं किसी व्यक्ति से अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आती है तो अगर वाइब्स अच्छी रहती है ना तो आप बहुत आराम से आगे बढ़ सकते हैं तो वो जो एक वाइब मीट होनी चाहिए वो हमारी बहुत जरूरी है कि पहले हम लोग एकदम कंफर्टेबली समझ ले कि हाँ यार सर तो ये तो आदमी का समझ रहा है ये अपने साथ है अपन आगे बढ़ रहे हैं साथ में तो इट इज बी वेरी इजी तो इट इज गु बी वेरी इजी आई स्टेप वन इज जस्ट कनेक्टिंग विद ईच अदर सो दैट फिर सब्जेक्ट शुरू कर दूंगा तो तो मतलब आई टेल यू मस्ट हैव हैड अ वर्ड विद योर सीनियर्स एंड एवरीथिंग पीपल मस्ट हैव टोल्ड यू एंड द रिजल्ट स्पीक फॉर इटसेल्फ यार मतलब लास्ट अटम की बात करें तो छह ऑल इंडिया रैंक एक अटेम्प्ट में आए थे अंडरस्टैंडिंग। सो माई पॉइंट इज के बाकी सब कुछ रेलिवेंट नहीं आता है अगर आपको एक बार कनेक्ट कर पा रहे हैं गोइंग टू बी एकदम कंफर्टेबल तो मक्खन जाएगा स्टेप वन पेन इट डाउन अब अगर कोई व्यक्ति कुछ पूछना भी जाता है तो मुझसे पूछ सकता है आपको मैं दो मिनट देता हूं ये पेन डाउन कर लेंगे एकदम शांति से रोशनी कहना चाहती है इज इट फॉर न्यू सिलेबस ये मैम हंड्रेड परसेंट इज फॉर न्यू सिलेबस बिकॉज दिस इज फॉर जून ट्वेंटी ट्वेंटी तो हंड्रेड परसेंट न्यू सिलेबस के लिए यह कोई भी व्यक्ति कुछ पूछना चाहता है तो अभी पूछ सकता है एकदम कंफर्टेबली वंस थिंग्स गेट रोलिंग ना तो फिर कैसा है कि हम एक जूम मीटिंग करें बिकॉज मे को पढ़ाने में तब मजा आएगा जब मुझे आपकी शक्लें पता है तो मैं इमेजिन कर पाऊंगी यार हाँ ये गधा यहां है ये बेवकूफ यहां पर है तो हमें समझ में आता है कि हाँ हाँ इस तरह से हम लोग रोल कर रहे हैं तो वो ज्यादा मजा आएगा हमको इसलिए ओके okay? भरत पूछ रहे हैं एग्जाम पेपर में इंटरप्रिटेशन का खेल होता है क्या हंड्रेड परसेंट वहीं तो पूरा फोकस होने वाला है हमारा हंड्रेड परसेंट इंटरप्रटेशन का खेल होता है बिना इंटरप्रिटेशन के आप नहीं कर सकते भावेश पूछना इज इट गुड टू स्टडी ऑनलाइन भावेश आई टेल यू वट हम कभी भी किसी चीज के बारे में तब सोच सकते हैं जब हमारे पास में दो तो ऑप्शन होता है ठीक है तो अगर किसी व्यक्ति के पास में ऑप्शन नहीं है तो वो सोच नहीं सकता बट आई टेल यू वेरी फ्रेंकली मतलब अगर मैं बात करता हूँ लास्ट ईयर का भी मतलब कभी बात करते हैं पिछली बार सो द अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स वी टीच इन लाइव बच इट इंसपायर दट इज क्या साल भर के फाइव हंड्रेड होंगे बट इसका एग्जैक्टली मल्टीप्लाई कर दो टेन से सो दैट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वी टीच ऑनलाइन नी so, वेज मतलब वी हैव ऑलवेज बीन फोकसिंग ऑन ऑनलाइन सिंस अ लॉन्ग टाइम मतलब आप देखोगे ना तो यू विल सी जो पिछले आपको बैच के लेक्चर वन टू सी भी आपको मिल जाएंगे तो ऑनलाइन जो है ना ऑनलाइन ऑनलाइन इज द फ्यूचर एंड उसके अलावा ऑप्शन नहीं है एंड उसमें बेटर क्या होता है यू गेट द बेस्ट पॉसिबल फैकल्टी ओके चलो बताऊँ अब मैं अगला क्वेश्चन लेता हूँ फिर मैं पढ़ाना चालू करता हूँ ये सर इसका हो गया येस सर सर लेक्चर का शेड्यूल कैसे पता चलेगा कैरी आई गेस राज सर के लेक्चर में उन्होंने प्रॉपरली आपको शेड्यूल बताया होगा कि कैसे लेक्चर का शेड्यूल रहने वाला है ओके okay? तो मैं भी बता देता हूं कि 11, uh, अभी मैं फोर्टी फाइव तक मैं पढ़ाएगा एंड देन एट ट्वेल्व आपका नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट होगा सलीम सर का ठीक है व्हाट वाज माय स्ट्रेटजी वन आई गिव थ्री एग्जाम्स टुगेदर अरे अविश मतलब आई एम टेलिंग यू मतलब सबसे पहली चीज क्या हो रहा है कि कुछ गधों ने बस हवा कर रखी है ऐसा करेक्ट गाइडेंस अगर अपने पास में है ना तो पास होना इजी है करेक्ट गाइडेंस मतलब कि शुरुआत से माइंड होना चाहिए कि इस तरह से पढ़ना है कुछ लोगों का क्या है पढ़ने का शुरुआती तरीका ही ही गलत हो जाता है ना ये ये लाइन लाइन पढ़ ली याद 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 करना है, याद करना है, याद, अरे गधे याद करने की जरूरत नहीं है बेटा जी याद करने की जरूरत ही नहीं है एग्जाम में स्टडी क्वेश्चन आएंगे इंटरप्रिटेशन का खेल है तो वो अगर करेक्ट गाइडेंस आप सही लाइन ऑफ थॉट पे भाग रहे हो ना तो ट्रस्ट नथिंग लाइक मतलब सबसे ज्यादा दुख मुझे इसी चीज का होता है कि स्टूडेंट ये करेक्ट लाइन ऑफ थॉट एक एकदम बार फेल होने के बाद सीख पाते हैं तो हमें है भाई हमें शुरू से अच्छा एम टेलिंग यू

ईशांत उस बारे में आगे बात करूंगा उसके आपको मतलब वो मैं आपको बताऊंगा कैसे मिलेगा लेकिन उस पर क्यों आपको रिलाई नहीं करना है मतलब मेरा कहना है कि जो आपके हैंडमेड चार्ट होंगे ना आपको दीवाने कर दोगे जब आप नोट्स बनाओगे ना मैं जब पढ़ाऊंगा लेफ्ट हैंड साइड पर पैरली आपके मैं कुछ नोट्स बनाता चलूंगा तो धीरे 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 आपको समझ में आएगा ओके सद पॉसिबल है देखिए बाकी सब मैं और एंड में बात करता है

कि हम एक ऐसे लेवल पे पहुंच गए कि कि अब में हम एक एक्सपर्टीज एक तो कभी भी जैसे मैंने बताया है, कोई भी एक इमारत बनती है कोई भी एक बिल्डिंग बनती है ना तो वो बिल्डिंग का अगर कोई भी एक जगह पे भी कोई भी एक जगह पे भी कोई नींव में अगर प्रॉब्लम है तो बिल्डिंग हमेशा वीक रहेगी तो मेरा क्या कह रहेगा सबसे पहला मेरा ऑब्जेक्टिव रहेगा बिफोर स्टार्टिंग द फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट चैप्टर तो मैं बहुत बाद में स्टार्ट करूंगा बिफोर स्टार्टिंग द फर्स्ट चैप्टर सबसे पहले कह रहेगा कि हम सब स्टूडेंट जो है ना सब अलग अलग जगह से आए हुए हैं सब अलग अलग माहौल में पड़े हुए हैं हम सब एक लेवल पे आ जाए लेवलिंग हो जाए तो हमारी नीव स्ट्रॉग करने का इंटेंशन है सबसे पहले मैं कुछ बेसिक्स पढ़ाऊंगा इन बेसिक्स को पढ़ाने के बाद क्या हो जाएगा कुछ बच्चे होंगे आप में से जिनको पहले से पता होगा कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके बाद में एंटायर एंटायर क्लास बैच विल बी एट इक्वल प्रोमिनेंस सब लोग एक इक्वल प्रोमिनेंस पे आ जाएंगे और जब सब लोग एक इक्वल प्रोमिनेंस पे आ जाएंगे ना तब हम अगर आगे स्टार्ट करेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा तो अगर सब लोग इक्वल प्रोमिनेस में ना तो फिर आगे बैच में पढ़ने में मजा आएगा मतलब आपको भी कॉम्पिटिशन फील होगा कि यार मेरे सारे वाले सब बच्चे ये ऐसे भारी पढ़ते हैं तो मुझे भी पढ़ना है आर अंडस्टैंडिंग ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना कि हम सब ठीक है ना ठीक है ना नहीं तो सबसे लेवलिंग हो गया तो सब लोग आ गए मतलब तो कभी क्लास में हमारे ये नहीं होना चाहिए कि भाई साहब यार ये जो है ना ये बहुत भारी बच्चे हैं ये भारी भारी डाउट्स पूछते हैं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है क्लियरली भाई साहब कि हम सब एक लेवल पे हैं ताकि सब लोग मतलब आपका कंपटीशन जो आपस में होना चाहिए ना टेस्ट में बोलो राइटिंग प्रैक्टिस में बोलो इन सब में जो कंपटीशन होगा ना वो भी एक इतना इतना मतलब भारी कंपटीशन होना चाहिए कि आप अपने आप को पुश करके आगे बढ़ो तो गधों के बीच में रहकर कोई फायदा नहीं होता है तो यू हैव टू रिमेन विद इंटेलिजेंट वन सो दैट आप भी और आगे बढ़े तो सबसे पहले लेवलिंग पे फोकस करेगा सब लोग मेरे साथ में यहां पर रहेंगे सब लोग मेरे साथ में यहां पर रहेंगे चलो ओके okay? गजांश उस बारे में बात करूंगा धीरे धीरे आगे अभी यहां पे फोकस करें कैरी एकदम छिल करो और आगे बढ़ो लोड मत लो चलो यहाँ पे आ चलो करो एकदम एकदम आराम से ठीक है yes, so में बहुत सारी चीजें बताऊंगा आपको और आपको आज एक बहुत अच्छा होमवर्क भी दूंगा ठीक है तो कुछ बेसिक्स है जो मैं जानता हूं आप पढ़ लें अच्छे से उसके बाद तो में आपका एक होमवर्क रहेगा एंड फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे सबसे पहली चीज फाइनलेशन एंड वट डू वी मीन बाईल्यूशन क्या बात है क्या बात है क्या बात है सबसे पहला ऑब्जेक्टिव मेरे यहां पे क्लियर है मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आखिर इनकॉर्पोरेशन क्या होता है और डिजोल्यूशन क्या होता है सुना मेरी बात को बहुत केयरफुली वॉट मीन बाई इनकॉपोरेशन वॉट मीन बाय डिजोल्यूशन ऑफ़ आहा बहुत ही बढ़िया फोकस करना अच्छे से दिस इज इनकॉर्पोरेशन ज डिजोल्यूशन मेरी बात को बहुत केयरफुल समझना दिस इज इनकॉर्परेशन दिस इज डिजोल्यूशन फोकस करना क्या बात है कंपनी अब मैं जो बोलूंगा ना उसको बहुत केयरफुली इमेजिन करने की कोशिश करना सुना मेरी बात को सब लोग इमेजिन करने की कोशिश करेंगे फोकस करना बहुत अच्छे से कोई भी एक व्यक्ति का जन्म होता है ठीक है समान ध्यान से कोई भी एक व्यक्ति का जन्म होता है यहां पर हम बात करते हैं भरत फोकस करना भरत का जन्म हुआ होगा फोकस करना बहुत अच्छे से कोई भी एक व्यक्ति का जन्म होता है इस दुनिया में तो उस व्यक्ति के पेरेंट्स हैं डन बहुत केयरफुली अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली तो कोई भी एक व्यक्ति है जिसका बर्थ हुआ है।, है तो उसके पेरेंट्स होते हैं ठीक है तो पेरेंट्स पेरेंट्स ने पेरेंट्स की वजह से देन आफ्टर दे गिव बर्थ टू तो अ किड वेरी कंफर्टेबली बहुत ईजी चल रहा है सिमिलरली

मिस्टर ए का अलग से अस्तित्व होता है कि नहीं होता है या फिर वो हमेशा ये अपने मनीषा और मनीष के ऊपर ही डिपेंडेंट रहता है हमेशा मनीष और मनीषा पर डिपेंडेंट रहता है उसका अपना एक अस्तित्व होता है होता है कि नहीं होता है आर बी अंडरस्टैंडिंग फोकस करना अच्छे से उसका अपना एक अस्तित्व होता है कि नहीं होता है मिस्टर ए का अपना अस्तित्व होता है या नहीं होता है मुझे बताओ मिस्टर ए का अपना अस्तित्व होता है कि नहीं होता डज मिस्टर ए हैज इट्स ओन एंटिटी और नॉट उसका अपना अस्तित्व मिस्टर ए अलग है कि नहीं है अलग है या नहीं है फोकस करना बहुत केयरफुली मिस्टर ए का अपना अस्तित्व होता है कि नहीं किसी व्यक्ति का बर्थ होता है तो उसका अपने अपना अस्तित्व होता है कि नहीं होता है सेलमी होता है नॉर्मल चीज ना भाई आज मेरा भी जन्म हुआ था बहुत साल पहले तो मेरा एक अपना अस्तित्व है मेरे माता पिता का अपना अस्तित्व है मेरा एक अपना अस्तित्व है इमेजिन करो आज धीरू भाई अंबानी साहब ने धीरूभा अंबानी साहब ने भी एक कंपनी को जन्म दिया और जैसे जन्म दिया उनके हाथ में आ गया है रिलायंस मेरी बात को बहुत केयरफुली समझना धीरूभाई अंबानी साहब ने एक कंपनी को जन्म दिया है एक कंपनी को जन्म दिया है और जैसी जन्म दिया है वो कंपनी आ गई है कल को मान लीजिए धीरू भाई की डेथ भी हो गई हो चुकी है तो लेट भाई अंबानी साहब की जब डेथ भी हुई क्या कंपनी भी इमीडिएटली मर गया क्या नहीं बस 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 ठीक है जिसने मुझे बनाया था वो मर गया तो मैं भी मर जाता हूं जिस मनीष या मनीषा की इनकी डेथ हो गई तो क्या मिस्त्री भी अपना मर बस मैं भी, भी डिसॉल्व हो गया

जिस दिन धीरूभाई अंबानी साहब की डेथ हुई थी रिलायंस का शेयर प्राइस क्रैश हो गया था तो बिल्कुल बुरा लगा इंपैक्ट आया होगा इंपैक्ट आया होगा बट क्या रिलायंस बंद हो गया क्या बंद हो गया क्या नहीं इससे हम एक सीखते हैं जो आपने फाउंडेशन में पढ़ा होगा आपके सीएसईडी में पढ़ा होगा बर्थ ऑफ अ कंपनी का मतलब क्या है फोकस करना वंस कंपनी इनकॉर्पोरेटेड वंस अ कंपनी इज इंकॉर्पोरेटेड कंपनी हैज सेपरेट लीगल एंटिटी एक बार जब एक कंपनी इंकॉर्पोरेट हो गई है कंपनी के पास आ गई है उसकी अपनी सेपरेट लीगल एंटिटी वंस अ कंपनी इज इंकॉर्पिट अपना अस्तित्व है सेपरेट लीगल एंटिटी कंपनी अब धीरूभा अंबानी पे डिपेंडेंट नहीं है हां थोड़ा इंपैक्ट जरूर आएगा बट धीरूभा अंबानी को कुछ हो भी गया तो कंपनी पे उसका कोई इंपैक्ट आने वाला नहीं है सो वंस अ कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी आर वी अंडरस्टैंडिंग विथ परपेचुअल सक्सेशन परपेचुअल सक्सेशन का मतलब बताओ मुझे फटाफट से वॉट यू परपेचुअल सक्सेशन परपेचुअल सक्सेशन क्या होता है परपेचुअल सक्सेशन क्या होता है गधों जल्दी से बताओ परपेचुअल सक्सेशन क्या होता है वॉट यू मीन बाय परपेचुअल सक्सेशन वॉट यू मीन बाय परपेचुअल सक्सेशन परपेचुअल सक्सेशन क्या होता है यस गधों परपेचुअल सक्सेशन YouTube पे uh, कुछ 10-15 सेकंड्स का लैग रहता है तो ध्यान रखेंगे जब मैं जब बोल देता हूं वो आप तक पहुंचने में 10 से 15 सेकंड लगते हैं जब हम अपने एप्लीकेशन पे मूव करेंगे तब वो एकदम जीरो लैग रहेगा तो तब इशू नहीं आगेगा अभी थोड़ा सा इशू रहता है लॉन्ग लास्टिंग इट गोज ऑन इट नेवर डाइज आर यू अंडरस्टैंडिंग इट नेवर डाइज सो परपेचुअल सक्सेशन का अगर मैं मेरी लैंग्वेज में बताता हूं जिस तरह से मुझे मेरे टीचर ने पढ़ाया था उन्होंने मुझे ऐसे पढ़ाया था कि कंपनी का जब जन्म होता है कंपनी अमर रहती है कंपनी का जब जन्म होता है कंपनी अमर रहती है कंपनी नेवर डाइज अरे रिलायंस इज द बेस्ट एग्जांपल ना धीरू भाई अंबानी साहब ने रिलायंस को स्टार्ट किया लाइक इस बेबी रिलायंस रिलायंस की एक सेपरेट लीगल आई परपेचुअल सक्सेशन के साथ आज मुकेश अंबानी साहब हमारे साथ में नहीं है लेकिन रिलायंस हमारे साथ में है एक दिन आएगा जिस दिन मुकेश अंबानी साहब की भी डेथ हो जाएगी एक दिन आएगा जिस दिन मुकेश अंबानी साहब की भी हो जाएगी क्या उस दिन रिलायंस बंद हो जाएगा नहीं बिकॉज रिलायंस परपैचुअल सक्सेशन इट विल गो ऑन फॉर एवर इट विल गो ऑन फॉर एवर सर मतलब रिलायंस कभी मरेगा ही नहीं रुकना 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 मर सकता है कैसे मर सकता है बाय डेजोल्यूशन बिकॉज डिजोल्यूशन इज

जिस दिन ऑर्डर पास कर दिया दैट दिस कंपनी इज डिजोल्व मतलब उस दिन द कंपनी इज डेड तो आप इमेजिन करो दो चीजें एक चीज क्या इमेजिन करनी है कंपनी का बर्थ हुआ है डेथ ऑफ कंपनी आर वी अंडरस्टैंडिंग डिसोल्यूशन इज द डेथ कंपनी सर कंपनी को जन्म देने की ताकत किसके पास है कंपनी को जन्म देने की ताकत है ओसी के पास सुना मेरी बात को ध्यान से आर mm ब्रैकेट -hmm. में लिख देता हूं सेंट्रल गवर्नमेंट ठीक है आरओ सी के पास है पावर टू गिव बर्थ टू कंपनी तो धीरू भाई अंबानी साहब को धीरू भाई अंबानी साहब को जिस दिन जिस दिन कंपनी का बर्थ करवाना था वो गए होंगे आरओसी के पास अब आरओसी क्या होता है ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगा बट अभी इमेजिन करके चलो आरोसी ऑफिस है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज द पावर टू गिव बर्थ ठीक है सर तो कंपनी की डेथ की पावर किसके पास रहती है डेथ की पावर रहती है एनसीएलटी एनसीएलटी के पास पावर है तो केला कंपनी तो अगर आज कोई भी कंपनी बंद हो रही है अगर आज कोई भी कंपनी बंद हो रही है ना तो वो कंपनी को बंद करने की ताकत है सिर्फ एनसीएलटी के पास एनसीएलटी के ऑर्डर के बिना कोई कंपनी मर नहीं सकती

इनकॉरपोरेशन इज इजी बट डेजोल्यूशन इज डिफिकल्ट माई क्वेश्चन इज वाई 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 डू थिंक अरे कैरी माइतास की कहानी उसमें आऊंगा मैं कभी लेक्चर के बीच में सत्य माइतास अरे चोर है सबके सब चोर है सबके सब्त आएंगे उसके ऊपर हम लोग मुझे बताइए वाई इज दैट द केस दैट इनकॉर्पोरेशन इज इजी बट डेजोल्यूशन इज डिफिकल्ट वाई पोरेशन इज ईजी बट डिजोल्यूशन इज डिफिकल्ट वाई इज दैट द केस वाई वाई इन कॉरपोरेशन इज ईजी बट डिजोल्यूशन इज डिफिकल्ट वाई वाई सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों रखा है कि भाई इन कॉर्परेशन तो आसान है कोई भी कंपनी इनकॉरपोरेट कर सकता है बट डिजोल्यूशन आसान नहीं है डिजोल्यूशन मुश्किल है क्यों सही होनी मैम कह रहे हैं क्योंकि डिजो्यून प्रोसेस बहुत वाइड होता है वाइंडिंग अप का प्रोसेस इन्वॉल्व होता है बिल्कुल सही सही बट क्यों सेंट्रल गर्वमेंट यही तो मैं डिजोल्यूशन का प्रोसेस वाइड है अग्री करता हूं क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट ने का प्रोसेस रखा है और का इजी ये आपको समझ में आना चाहिए तब आएगा मजा राम कह रहे हैं कॉज आरओसी जस्ट नीड लिमिटेड फॉर इनकॉर्पोरेशन सही कह रहे हैं राम भी क्योंकि इनकॉर्पोरेशन के लिए कम डॉक्यूमेंट्स मांगता है मेरा सवाल ये नहीं है मेरा सवाल ये है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉ बनाया ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसा लॉ क्यों बनाया कि इनकॉर्पोरेशन तो आसान है बट डिजोल्यूशन मुश्किल है इनकॉर्पोरेशन के लिए कम डॉक्यूमेंट छोटा प्रोसेस रिजोलूशन के लिए बड़ा डॉक्यूमेंट अरे इनको आज की तारीख में एक कंपनी ट्वेंटी फोर आवर्स में तो इनकॉर्पोरेट हो जाती है आई अंडरस्टैंडिंग और कभी कभी ये में में भाई वाइंडिंग सालों लग जाते हैं तो ऐसा क्यों रखा है वेरी 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 गुड 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 बहुत ही बढ़िया आंसर दिया भरत ने और साथ में हेमंत ने भी इन शॉर्ट वही आंसर था मनी फ्रॉड आ, भरत और हेमंत यू गेट अ कैडबरी अब कैडबरी कैसे मिलेगी मैं आपको बताता हूं बाद में यू गेट अ कैडबरी टुडे हेमंत मनी फ्रॉड बिल्कुल सही बात और भरत ने सही से लिखा बिकॉज देर आर मेनी क्रेडिटर्स एम्प्लॉयज एक्सेट्रा वो एसोसिएट विद्यूशन एफेट दीज हेंस के नॉट डन एट समझो मेरी बात को ध्यान से अरे इनकॉपरेशन मतलब हमारे पास कुछ है ही नहीं ना अब हमें क्या करना है बस इसे बस इसे जन्मदिन है तो ईजी है ट्वेंटी फोर फोर्टी में हो जाएगा पर डिजोल्यूशन एक कंपनी का समझो उस कंपनी के कितने क्रेडिटर्स होंगे कितने इंप्लॉइज होंगे उन सबको निकालना हो गया सबका पैसा देना हो गया उसके पास कितने सारे असेट्स होंगे उन उनट्स को बेचना पड़ेगा सारे लोन रीपे करने होंगे तो डिजोल्यूशन में बहुत समय लगता है और दूसरी चीज कोई भी कंपनी ने अगर कभी फ्रॉड वगैरह करती है इनकॉर्पोरेशन में फ्रॉड नहीं कर सकती ना इनकॉर्पोरेशन में फ्रॉड कैसे करेगी लेकिन फ्रॉड करके डिजोल्यूशन की कोशिश तो कर सकती है तो ये भी ध्यान रखा जाता है सर कंपनी में इतना फ्रॉड का डर क्यों रहता है कल कंपनी में फ्रॉड क्यों बिकॉज कंपनी जो धंधा करती है बिजनेस करती है, के है? करती है, करती है वो दूसरों के से करती है कमिंग ऑन टू माई पॉइंट इज बिकॉज यहां पर फ्रॉड की पॉसिबिलिटी और डिजोल्यूशन के पहले एक चीज होती है सुना मेरी बात को ध्यान से रिजोल्यूशन के पहले एक चीज होती है डिफरेंस बिटवीन वाइंडिंग अपडोल्यूशन एज वेल क्लियर रखो दिमाग में वाइंडिंग अप अलग है डिजोल्यूशन अलग है वाइंडिंग अप क्या होता है डिजो्यूशन क्या होता है डिजोल्यूशन मतलब टू डेथ ऑफनी डिजोल्यूशन मतलब डेथ ऑफ दस्ट किलिंग लेटी हुई कंपनी उसका गला काट दिया अपन नेट इज डिजोल्यूशन लेटी हुई है कंपनी गला काट दिया डे दैट इज डिजोल्यूशन मेरा अभी भी ध्यान रखना आज के बाद जब भी मैं इनकॉरपोरेशन बोलूंगा आपके दिमाग में ये में जानी चाहिए कि बच्चा हाथ में

प्रोसेस ऑफ सेलिंग असेट्स एंड पेइंग ऑफ लाइबिलिटीज तो सारे असेट्स को बेचना और सारी लाइबिलिटीज को पे करना इसे वाइंडिंग अप कहते हैं और इसमें बहुत समय लगता है बहुत समय लगता है कुछ कंपनीज में तो सालों लग जाते हैं वाइंडिंग अप में उनके असेट्स कॉम्प्लेक्स होते हैं ना तो सालों में लग जाते हैं तो सारे असेट्स को बेचना है एक बार ये सब हो चुका है उसके बाद एनसीएलटी तो के ऑफ कर, कर, कर दो एनसीएलटी का ऑर्डर पास करता है और वो हो है। सुनना मेरी बात को बहुत ध्यान से कोई व्यक्ति अगर कभी इंटरव्यू में पूछ लेगा कि बताओ डिजोल्यूशन और वाइंडिंग में क्या फर्क है तो हमेशा क्लियर रखना सर डिजोल्यूशन सर डिजोल्यूशन इज ऑर्डर ऑफ द कोर्ट

सो वाइंडिंग अप इज अ प्रोसेस बट रेजोल्यूशन इज ऑर्डर ऑफ द कोर्ट एक दिन का काम है एक दिन का काम है आर यू अंडरस्टैंडिंग आप समझना मेरी बात को बहुत केयरफुली सुनना 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 चलो रेजोल्यूशन की इवेंट होता है ऑर्डर ऑफ कोर्ट खत्म हो जाता है सर आपने बहुत कुछ बोल दिया और एक तो सर आप बोलते बहुत तेज हो यार ये पसंद नहीं आ रहा बहुत तेज बोल रहे हो मेरी बात को समझना मैं जो भी बोलता हूँ ना ये मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपके सोचने का एम्बिट बढ़े जो जो चीजें मैं चाहूंगा कि आपका टेक अवे हो जो कि आपने सीखा है लेक्चर से हर वो चीज लिखूंगा तो आज के लेक्चर के एंड में मेरी आपसे अपेक्षा क्या होगी मेरी आपसे अपेक्षा क्या होगी सिर्फ उतनी सी जो मैंने आपको लिखवा के दिया सो वंस द लेक्चर इज डन आपको बैठ के ये नहीं सोचना है यार ये या आदमी एक घंटे में क्या क्या बोल के गया नहीं आपको सोचना है उसने हमें क्या क्या लिखवाया उसने आज दो चीजें लिखवाई एक लिखवा दी दूसरी चीज लिखवाऊंगा ये दोनों चीजें हमें समझ रही है क्या अगर दोनों चीजें आपको समझ समझिए यू आर विथ मी यू आर विध मी

और आज के लेक्चर के बाद आपको शाम को बैठ के क्या करना है आपको शाम को बैठ के मैंने दो चीजें डाउन कराई एक कंपनी का सिलेबस ओवरव्यू इतने मार्क्स और दूसरा ये चार्ट चीजेंट इतना सा देखना है कि ये दोनों चीजें समझ में आ रही है क्या मतलब शुभम सर का जो ऑब्जेक्टिव था आज हमें सिखाने का वो हम सीख गए तो आपको जो मैं लिखवा के दे रहा हूं सिर्फ आपको वो देखना है कि वो हमें समझ में आ रहा है या नहीं तो बाकी मैंने जो भी बोला वो सिर्फ उसका बिल्डअअ था एट दी एंड जो मैंने लिखवा के दिया ये आपको समझने लायक चीज है

आपने आज शाम को क्या करना है जो दोनों चीज बनाई है ड्रॉ करके देखनी है कि यार हाँ ये दो दो दोनों इस व्यक्ति ने समझाई ये है हमें समझ में आ रही है या नहीं क्लियर है हम लोग चलो यार रंगेश जी यू कैन दिस एज अ डेमो लेक्चर बट मै मतलब आई डोंट बिलीव इन डेमो डेमोलेक्सर एड बी वेरी फ्रैंक मतलब मैं जो बता रहा हूं ना आप अगर यूट्यूब पर जाओगे ना तो यूल ऑलरेडी गट माई लेक्चर्स लेक्चर वन टू थ्री फोर आपको पहले ही मिल जाएंगे वहां लेकिन मेरा क्या सजेशन है आपको आप ये सोचो कि आज से आपकी पढ़ाई चालू हो रही है क्योंकि ये जो मैं पढ़ा रहा है मैं वापिस थोड़ी बताएगा तो आपको शिद्दत से पढ़ना है और जो मेरे साथ देवन से है ना मैं आपको लिख के दे रहा हूं कि आपका कॉन्फिडेंस अलग लेवल पर रहेगा लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपको देवन से साथ में नॉट दिस डेमो लेक्चर कर दो ऐसे सोचो कि आपको अच्छे से पढ़ी आपकी पढ़ाई चालू हो चुकी है ओके नहीं श्रेयस बर्थ इज वेरी इजी बर्थ इज वेरी इजी ट्रस्ट मीन्स केक वॉक ओके चलो कर दो कुछ भी पूछ सकते हैं Uh, आयुष नहीं ऐसा नहीं होगा बच्चे हुए सेक्शन से आपके इंस्पायर uh, अकेडमी के एप्लीकेशन पे होंगे यू कैन हैव अ वर्ड एट ऑफिस फॉर दैट सर अभी ऑफलाइन क्लास से ऑनलाइन में आ ही फाइनली अरे मैं आपको क्या कह रहा हूं ट्रस्ट मतलब मैं इतना डेस्परेटली मिस कर रहा है क्लास बच्चे अरे मतलब मैं आपको एक्सप्रेस ही नहीं कर सकता है बट एटलीस्ट द लाइव इज गोइंग टू गिव अ गुड फीलिंग ऑफ इट ठीक है आप लोग एक और चीज क्या कर सकते हैं आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अभी तो सो so दैट आप आराम से जूम करके भी लिख पाएंगे ठीक है चलो मैं आई एम सो डेस्परेटली मिसिंग द क्लास बट आई गेस लाइव में थोड़ा सा बेटर फील रहेगा प्रीति पूछ रहे हैं अगर डिजोल्यूशन नहीं किया तो तो अगर आपने वाइंडिंग अप कर लिया अपन नहीं किया तब तक आपके ऊपर कंपनी लॉ के आते रहेंगे कि आपको एवरी ईयर जो फाइलिंग है वो सब करनी पड़ेगी तो इसके लिए लोग कंपनी को डिजोल्व कर लेते हैं डिजोल्व हो गया फिर कंपनी से आपका छुटकारा हुआ कि फिर आपको वो सारे कंप्लाइंस करने की आवश्यकता नहीं होगी अमिया आई गेस आपने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया मैंने लेक्चर की शुरुआत में पेपर पैटर्न विटेज सब कुछ बता दिया तो आप एक बार इस लेक्चर को वापस इवनिंग में देखेंगे तो यू बी वेरी क्लियर ओके okay? स्वरूप अभी पहले दो तीन दिन तो आपको कोई आवश्यकता ही नहीं है बिकॉज मैं सारी चीजें लिखवाऊंगा फिर मैं नोट्स का लिंक आपको दे दूंगा ओके स्वरूप 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 इज अ नेम ऑफ गाय और गर्ल Sir, आप जो भी हैं नोट आपको मिल जाएंगे थोड़ी देर में okay? चलो कदम टाइम आई होप यू रिलेल यू आई लव इट आई लव इट इट्स इट्स आफ्टर लॉन्ग वाइल आई एम इंटर एक्स्यूटिव स्टूडेंट एंड फ्रेश स्टूडेंट फ्रेश स्टूडेंट जो कि सी एस अभी भी क्लियर करके आए ट्रस्ट मी जस्ट बी ए लिटल पेशेंट एंड हैव दाइंडसेट कि हाँ भाई साहब बहुत कुछ पढ़ना है बहुत कुछ पढ़ना है अगर इस माइंड सेट से पढ़े ना दथिंग विच कैन स्टॉप यू एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड पेशेंस आई सी बी बिल टूम सो मच अवीश पूछा फ्रॉम वेयर यू विल गेट ऑल द लास्ट लास्ट पेपर आप गूगल करेंगे आईसीएसआई पास पेपर आपको मिल जाएगा आईसीएसआईट पर सब कुछ अवेलेबल है फैजान एंड तक पढ़ने सारे सेक्शन सर ग्लासेस कहां पर है अरे <laughs> आदित्य चल ग आई टेक लीव ऐसे मन ही नहीं करता ना एंड में जाने का गौ जाता हूं मैं सलीम सर चिल्लाएंगे मुझ मुझे चल आई टेक लीव थैंक यू सो मच फॉर लव आई सी विल टुमारो थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच भरत यस yes, दो स्टूडेंट्स की कैडबरी है ना तो उसको मैं कैसे रखूंगा कल के लेक्चर में बिगिन करता हूं तो मैं आपको बताऊंगा कैसे पैटर्न चलेगा अपना डेली बेसिस पे कि मैं जो क्वेश्चन रखता हूं उसके लिए आई एल बी गिविंग ऑफ कैडबरीज तो उसका अपन फॉर्मेट सेट कर लेते हैं ओके यस yes, नील एक अलग नोटबुक बनानी है नोटबुक आपकी राइटिंग प्रैक्टिस की बनेगी तो उसी में आप ये सारी चीजें भी लिख सकते हैं राइटिंग प्रैक्टिस के लिए नोटबुक बनेगी कंपनी लॉ की तो कंपनी लॉक नोटबुक बना लें लेर साइज रखें थिकनेस आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं ए फोर से पीटेगा उनको पकड़ पकड़ के जो कि उसको ऐसे डायरी वारी में लिखते हैं और मुझे पता कैसे चलेगा आपके राइटिंग प्रैक्टिस के सारे क्वेश्चन के फोटोज भी मैं मंगवाऊंगा आपके राइटिंग प्रैक्टिस के क्वेश्चन के फोटोज भी मैं मंगवाऊंगा सारे तो आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको लिखना है एक ए साइज की नोटबुक पे छोटी डायरीज वैरीस ये सब नहीं प्रॉपर नोटबुक ए4 साइज की ओके नाउ आई विल रियली अदरवाइज सलीम से इज गोना किल मी टाटा 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 इट वाज लवली 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 टॉकिंग टू यू टाटा